नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्त सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने सीएम धामी से की मुलाकात, समसामयिक विषयों पर हुई चर्चा। एलबीएस अकादमी में ट्रेनी आईएएस कार्यक्रम को भी किया संबोधित। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उत्तराखंड को लेकर लिखी किताब, भाजपा विधायक किशोर उपाध्यक्ष के कसा तंज। प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिस्ट ने कहा, किताब का मकसद पब्लिसिटी। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड अध्यक्ष ने अवैध कब्जों पर जताई चिंता, पद से इस्तीफा देने की चेतावनी। कहा, केंद्रीय कानून मंत्री से भी संबंधित मामलों में पुनर्विचार की रखी जाएगी मांग। निजी स्कूल में गरीब बच्चे आरटी के तहत पाएंगे शिक्षा, डीजी शिक्षा ने भर्ती किया, प्रक्रिया तेज करने के दिए निर्देश। और बद्री विशाल में तीर्थयात्रियों की भरी आवाजाही, रंग बिरंगे फूलों से सजा धाम। स्थानीय लोगों ने इस साल श्रद्धालु का रिकॉर्ड टूटने की जताई उम्मीद। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास देहरादून में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भेंट की। उन्होंने विभिन्न समसामयिक विषयों पर मुख्यमंत्री से चर्चा की। वहीं सीएम धामी ने अजीत डोभाल को शॉल उड़ाकर सम्मानित भी किया। आपको बता दें कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मसूरी में एलबीएस अकादमी में मैट्री आईएएस कार्यक्रम को भी संबोधित किया। इसके बाद उन्होंने गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान विभिन्न विषयों पर भी चर्चा हुई। उत्तराखंड में फिल्म निर्माण को एक संगठित उद्योग की तरह बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार सकारात्मक पहल करने जा रही है। इसी में सरकार जुटी हुई है। इसी कड़ी में युवाओं को इस क्षेत्र में प्रोत्साहन करने के लिए प्रदेश में एक राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान पर फोकस किया जा रहा है। उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बंशीधर तिवारी ने बताया कि फिल्म सिटी प्रशिक्षण के लिए अल्मोड़ा के उदय शंकर नाट्य संस्थान परिसर में राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि संस्थान के वित्तीय पोषण और संचालन संबंधित अन्य विषयों के निर्धारण के लिए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि कार्य के क्रियान्वयन के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन कर लिया जाए। वहीं सीएम धामी ने उत्तराखंड में पुणे की तरह फिल्म टीवी और कंटेंट निर्माण प्रशिक्षण के लिए उच्च स्तरीय संस्थान की स्थापना के भी निर्देश दिए हैं। अल्मोड़ा में एक बहुत अच्छा हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, उदय शंकर नाट्य अकेडमी, और उसमें हम लोग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है और उस पर हम लोग एक समिति बना रहे हैं और जो टीआईआई है उसके माध्यम से हम लोग यहाँ पे प्रशिक्षण के कार्य बच्चों को देंगे। देखिये, उसमें भवन और इंफ्रास्ट्रक्चर बने हैं, कुछ अतिरिक्त संसाधनों की व्यवस्था उसमें करनी है और हम लोग शीघ्र ही उस पर कार्रवाई करेंगे। सर, क्या ये एफटीआई से रिलेटेड होगा? बिल्कुल बिल्कुल होगा। तभी एक जो हम कहें कि नामी गिरामी इंस्टीट्यूट है और भारत सरकार की इंस्टीट्यूट है, तो निश्चित रूप से यहाँ के बच्चों को फायदा मिलेगा। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत उत्तराखंड को लेकर एक किताब लिखी है, जिसका विमोचन 29 अप्रैल को होगा। उन्होंने किताब का नाम दिया है, उत्तराखंडियत मेरा जीवन लक्ष्य। उन्होंने इस किताब के विमोचन के मौके पर सभी को आमंत्रित किया और कहा है कि आप बड़ी संख्या में किताब के विमोचन के मौके पर जरूर पहुंचे। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरी किताब को आप 200 रुपये मात्र में खरीद सकते हैं। दूसरी तरफ जैसे उन्होंने ये पोस्ट किया तो उनके पूर्व सहयोगी और इस वक्त भाजपा के विधायक किशोर उपाध्याय ने उनके ऊपर तंज कसा है। किशोर उपाध्याय ने कहा है कि जब मैं उन्हें उत्तराखंड के बारे में समझाता था तो ये उस बात को गंभीरता से नहीं लेते थे। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिस्ट ने भी इस किताब को लेकर उनके ऊपर चुटकी लेते हुए कहा कि हरीश रावत का इस किताब के मकसद से अपनी पब्लिसिटी कराना चाहते हैं। देखिए, हरीश रावत जी का इस किताब को निकालने के पीछे अपनी प्रसिद्धि, अपनी पब्लिसिटी करना है।
और किताब के माध्यम से धन अर्जन करने का भी वो एक कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। किताब उन्होंने निकाली है तो रॉयल्टी भी उनको मिलेगी, लेकिन ये सिर्फ उनका अपने प्रचार और प्रसार के लिए है। तो एक नया उन्होंने हथकंडा अपनाया है कि जिससे लोग उनको भूले ना और लोग उन्हें उनके क्रियाकलापों के लिए याद करते रहें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा पूरे देश की जनता जानती है और पैसा कमाना भी भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरह जानती है। हमने देखा कि मेयर सुनील उनियाल गामा, उनकी संपत्ति कितनी थी और कुछ ही दिनों में बढ़कर कितनी पहुंच चुकी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो खनन माफियाओं से साथ जुड़ी हुई है, जो शराब माफियाओं के साथ जुड़ी हुई है, और ये देहरादून में भाजपा प्रदेश मुख्यालय में दिवंगत कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास को श्रद्धांजलि दी गई। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत भाजपा के कई पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय चंदन रामदास को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कैबिनेट मंत्री रहते हुए स्वर्गीय चंदन रामदास ने अपने जिम्मेदारी को निभाते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे। उन्होंने कहा कि उनके निर्णय के अनुरूप आगे भी उनके विभागों में काम किए जाएंगे, जिसके लिए मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि चंदन रामदास का असमय निधन होना पार्टी के लिए बहुत ही बड़ा झटका है। चंदन रामदास जी हमारे बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, प्रदेश सरकार में मंत्री थे और जो विभाग उनको दो दिए गए, चाहे परिवहन का विभाग हो, समाज कल्याण का विभाग हो, दोनों विभागों ने प्रगतिक रूप से और अकाल्पनिक प्रगति प्राप्त की। अचानक उनका चला जाना हम सबको स्तब्ध करता है। कल मैं बागेश्वर में भी था और जिस प्रकार का जन स्नेह उनके प्रति वहाँ की जनता ने दिखाया अपने आप में महत्वपूर्ण था। माने मुख्यमंत्री जी ने कल वहाँ पर कहा है कि चंदन रामदास जी ने बागेश्वर की जनता के लिए जो वादे किए गए, जो उनकी घोषणाएं थी, उसको धार पर उतारा जाएगा। मैं आज प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्यों की ओर से उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। हम श्रद्धांजलि देते हैं और उनके परिवार भगवान इस दुख की घड़ी को सहने की। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री और जनपद चंपावत की प्रभारी रेखा आर्य आज अपने एक दिवसीय दौरे पर जनपद भ्रमण कार्यक्रम के अंतर्गत चंपावत जनपद के सीमान टनकपुर पहुंची, जहां स्थानीय कार्यकर्ता और आम जनता ने मंत्री महोदय का भव्य स्वागत किया। मंत्री रेखा आर्य ने टनकपुर के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इंजीनियर्स कॉलेज में पहुंचकर वहां आयोजित जिला योजना में बैठक की और बैठक में प्रतिभाग किया। इस दौरान मंत्री महोदया ने क्षेत्र के विकास के लिए चलाई जा रही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जिलाधिकारी और संबंधित अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। डोईवाला कोतवाली में कांग्रेस नेताओं ने जिला अध्यक्ष परवा टून मोहित उनियाल के नेतृत्व में केंद्र सरकार के गृहमंत्री के खिलाफ प्रदर्शन कर पुलिस को तहरीर देते हुए कहा है कि केंद्र सरकार के गृहमंत्री ने कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ काफी गलत बयान देते हुए कहा है कि अगर कर्नाटक कांग्रेस की सरकार बनी है तो डोईवाला राज्य में दंगा भड़ेगा, जो कि संविधान के खिलाफ है। कांग्रेस नेताओं ने डोईवाला पुलिस से मांग की है कि उनकी तहरीर पर आपराधिक मुकदमा दर्ज कर तत्काल केंद्र के गृहमंत्री पर कार्रवाई की जाए। जिला कांग्रेस के सभी साथी और युवा कांग्रेस NSUI और दूसरे फ्रंटल्स के सभी साथी यहाँ डोईवाला कोतवाली पहुँचे और हम लोगों ने यहाँ कोतवाली में SSI साहब से हमारी मुलाकात हुई, जिसमें हमने जो देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उनके खिलाफ उनके लिए एक एप्लीकेशन दी है और हमारी मांग है कि उनके खिलाफ एक FIR लॉन्च हो, मुकदमा दर्ज किया जाए। पिछले मंगलवार को जो देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, कर्नाटक के बेलगावी में उन्होंने एक भाषण दिया। चुनावी भाषण में उन्होंने जो बात कही कि अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी तो देश में दंगे हो जाएंगे, तो आप देखिए कि कम्युनल राइट्स फैलाने की बात कौन व्यक्ति कर रहा है? देश का गृह मंत्री कर रहा है। अगर देश के गृह मंत्री ऐसा काम करेंगे तो उसका असर पूरे देश में क्या पड़ेगा? तो हमारी मांग है कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। देखिए, हमने जो आज ज्ञापन दिया है वो हमारे गृह मंत्री जो अमित शाह जी हैं उनके खिलाफ हमने यहाँ पर
ज्ञापन दिया है FIR के लिए, क्योंकि आप देख रहे हो कि कर्नाटक चुनाव में जो अमित शाह जी ने जो बयान दिया है कि कांग्रेस अगर जीतती है तो दंगे हो जाएंगे, अगर गृह मंत्री ये बात करता है तो आप समझ सकते हो कि कितना सेंसिटिव ये मुद्दा इन्होंने कर दिया है कि कांग्रेस आएगी तो दंगे हो जाएंगे। तो हम यही कहना चाहते हैं कि अमित शाह गृह मंत्री हैं, उनको सोच समझ के अपनी भाषा को मर्यादित भाषा को मर्यादा में रख के काम बोलना चाहिए। देखिए हम पहले तो चाहेंगे कि मुकदमा दर्ज होगा, मुकदमा दर्ज नहीं होगा तो हम आगे भी इस पे कुछ ना कुछ कार्यक्रम और करेंगे। ड्रग्स विभाग की टीम ने मंगलवार को क्षेत्र में स्थित दवाइयों की फैक्ट्री का औचक निरीक्षण किया, जिसमें दूसरी कंपनी का रैपर बदलकर अपनी कंपनी का रैपर लगाया जा रहा था। निरीक्षण करने पहुंची ड्रग्स विभाग अधिकारी अनिता भारती ने कंपनी का चल रहा प्रोडक्शन बंद कर दिया है। निरीक्षण के दौरान फैक्ट्री में दवाइयां भी खुली पड़ी हुई थी और साथ ही कई दवाइयों के रैपर भी खुले हुए थे। ड्रग्स विभाग के निरीक्षण के बाद दवाई फैक्ट्री में हड़कंप मच गया, तो वहीं दवाइयों की फैक्ट्री में इतनी बड़ी लापरवाही उजागर होने के बाद में दवाइयों की भरपी सवाल उठ गए हैं। दरअसल ड्रग्स इंस्पेक्टर अनिता भारती मंगलौर स्थित दवाई फैक्ट्री में निरीक्षण करने पहुंची थी। हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा जो है एक सरप्राइज इंस्पेक्शन के ऑर्डर किए गए हैं, जो पूरे स्टेट में हो रहे हैं। सेंटर की टीम और स्टेट की टीम द्वारा निरीक्षण किए जा रहे हैं और यहाँ पर जो कंपनी है इसके द्वारा अभी जितने भी GMP के नियम हैं और जिसके तहत जो है दवाइयों का निर्माण किया जाता है वो कोई फॉलो नहीं किए जा रहे हैं और दूसरी कंपनी की दवाइयों को डिफॉइल करके उन्हें पुनः अपना लेबल दे करके बेचा जा रहा है। सौदेली मां पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाते हुए रुड़की निवासी एक व्यक्ति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पीड़ित का कहना है कि उसके पिता की दूसरी पत्नी कुछ लोगों के साथ मिलकर जबरन उसकी संपत्ति कब्जाना चाहती है और लगातार मानसिक उत्पीड़न कर रही है। पीड़ित ने इस संबंध में रुड़की पुलिस को तहरीर देकर अवगत करवाया है। रुड़की सलमान कॉलोनी के रहने वाले सादिक अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि उसकी माता का देहांत होने के बाद पिता ने सहारनपुर निवासी एक महिला से दूसरी शादी कर ली थी, जिसके बाद से पिता उसी महिला के साथ सहारनपुर में रहते हैं। सादिक ने बताया कि पिता की देखभाल और उनकी जिम्मेदारी को लेकर सौतेले माँ को वह 45 लाख रुपए भी दे चुका है और प्रत्येक माह उनका खर्च ऑनलाइन भेजता है, लेकिन अब उसकी सौतेली माँ षड्यंत्र रचकर जबरन उसकी संपत्ति कब्जाना चाहती है। सादिक ने अपने सौतेली माँ और उनके अन्य साथियों से जान माल का खतरा बताते हुए पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है। एक महिला उज्मा नाम की, जो कि मुझे लगातार परेशान कर रही है और मुझे ब्लैकमेल कर रही है कि वो अपनी मेरी मैं अपनी संपत्ति में से उसे हिस्सा दूं, जिसने कि मेरी एक 19 तारीख में झूठी वीडियो बना करके वायरल की है, जिसकी वजह से मैं ब्लैकमेल हो जाऊं और जो भी संपत्ति है वो सारी मेरी है, पूर्ण रूप से उसका बैनामा दाखिल खारिज सब मेरे नाम है और मैं उसमें रहता आ रहा हूं। और वो 19 तारीख को अपने कुछ साथियों के साथ मेरे घर पे आई और चढ़ाई की घर पे आकर के, और उसने ताले तोड़ने की भी कोशिश की, जिसने कि एक झूठी वीडियो बनाकर वायरल कर दी मेरे पिताजी की, कि इसमें इन्होंने अपने पिताजी को, जबकि हम 45 लाख रुपए दे चुके हैं उसको और 20,000 रुपए महीना भी मैं दे रहा हूँ अपने पिताजी का खर्च के लिए, जब भी वो और पैसों का लालच करते हुए मेरे घर पे आई और मुझे बहुत ब्लैकमेल किया और मुझे ये भी बोला गया कि तेरे अगर ये यहाँ नहीं है तो इसके बच्चों को स्कूल में भेज के दिखवाऊंगी और इसको देखूंगी कि कहाँ रह रहा है कहाँ नहीं, जिसके कारण बहुत मजबूर हो चुका हूँ और मुझे यहाँ से प्लान करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। पंजाब के भटिंडा में पकड़े गए शूटर द्वारा काशीपुर के व्यापारी की हत्या के लिए सुपारी लिए जाने के मामले में अभी ठंडा भी नहीं हुआ था। ये मामला के आतंकी अर्शदीप ढल्ला के नाम से नगर के 3 सराफा व्यापारियों को आई एक करोड़ की रंगदारी की कॉल ने एक बार फिर से महकमे में हड़कंप मचा दिया है। वही अर्शदीप ढल्ला ने आई कॉल को लेकर व्यापारियों में दहशत का माहौल भी बना हुआ है। व्यापारियों ने पुलिस अधिकारियों से उन्हें उनके परिवार को सुरक्षा मुहैया करवाने की भी मांग की है। पंजाब पुलिस का क्लेम है, अभी तक कोई भी चीज वेरीफाइड नहीं है। पंजाब पुलिस को इनपुट हमारे ही पुलिस ने दिया था, जो हमारा क्या बोलते हैं, दो शूटर है पंजाब में, पंजाब के शूटर्स जो आए हुए उनको मिलने के लिए हमेशा एक व्यक्ति आता था, उसको हमने पीछा करते थे, उसका पूरा डिटेल्स और उसका हुलिया सब कुछ डिटेल्स इकट्ठा करके पंजाब पुलिस को दिया था। तो
तो हाल ही में एक मतलब एक व्यक्ति उसी को पकड़ा है पंजाब पुलिस ने, और उसके कब्जे से एक दर्रे पिस्तौल बोलते हैं, लोकल कंट्री मेड पिस्तल है, उसको बरामद करा के उसके हाथ से थोड़ा सा कैश भी मिला हुआ है। तो जानकारी में पंजाब पुलिस के अनुसार यह है कि 4 लाख रुपए उसको पैसे मिले कहीं बाहर से, हवाला या किसी माध्यम से मिला है। उसमें इसने एक असला खरीदा है और काफी पैसा जो यहाँ पे दो शूटर बंद है उसमें से एक है, क्या नाम है उस शूटर का, साधु सिंह को रिहा करने के लिए बेल में सबकी पैरवी खर्चे के लिए पैसे दिया गया है। तो इसके बाद यह अनवेरिफाइड क्लेम है कि काशीपुर के कुछ लोगों को नुकसान पहुंचाना है या फिर उनसे रंगदारी करने का फिराक में है करके, अनवेरिफाइड है। वो सबके लिए कॉल डिटेल्स मैच होना चाहिए और सारे जो है चीजें मैच होने के बाद जो है हम इसकी पुष्टि कर। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के आरंभ के साथ ही आईटीबीपी द्वारा बद्रीनाथ धाम और उसके आसपास के स्वच्छता बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है। आईटीबीपी के जवानों द्वारा बद्रीनाथ के निकट पहाड़ियों और जल स्रोतों को स्वच्छ करने के लिए अभियान चलाया गया है। गुरुवार को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के अवसर पर आईटीबीपी के जवानों द्वारा श्री बद्रीनाथ धाम मंदिर के निकट दुर्गम पहाड़ी पर रैपलिंग करते हुए यात्रियों द्वारा फेंके गए कूड़े को हटाया गया। आईटीबीपी द्वारा यह अभियान निरंतर जारी रहेगा।
उत्तराखंड सरकार के मंत्रियों और शासन में बैठे अधिकारियों के बीच तालमेल ना होने के चलते सरकार के मंत्री अधिकारियों की ACR लिखने का मुद्दा मुख्यमंत्री के सामने उठा चुके हैं। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने भी इस मामले में सरकार के मंत्रियों की वकालत करते हुए कहा कि मंत्री के तौर पर कई बार ऐसी परिस्थितियां होती है कि जनता के हित में तत्काल फैसले लेने होते हैं, ऐसे में अधिकारियों के ऊपर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि जब वे भाजपा में थे उस समय पार्टी के प्रदेश प्रभारी रहे श्यामा जाजू इस बात का जिक्र किया करते थे। आप मुझे बता दो ना, क्या कौन निर्णय लेता है? वो तो खुद ही श्याम जाजू थे प्रभारी हमारे, वो खुद ही मीटिंग में कहते थे अगर अभी ऑक्सीजन चाहिए मरीज को कि भाई इसको मरीज को ऑक्सीजन चाहिए, तो भाजपा में क्या होता है कि उन्हें जी भाई प्रांत प्रदेश का मुख्यमंत्री से पूछो, मुख्यमंत्री कहेंगे जी प्रांत अध्यक्ष भाजपा के अध्यक्ष से पूछो, अध्यक्ष कहे जी संगठन प्रदेश संगठन मंत्री से पूछो, संगठन मंत्री कहेगा जी प्रांत प्रचारक से पूछो, प्रांत प्रचारक जी विभाग प्रचारक से पूछो, विद्यार्थी पर से पूछो, बजरंग दल से पूछो, और पूछने पूछने में तब तक उसकी राग बह जाती है हरिद्वार में। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने पद से इस्तीफा देने की चेतावनी दी है। दरअसल बोर्ड की संपत्ति पर हो रहे अवैध कब्जों को लेकर शादाब शम्स ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यदि वे वक्त बोर्ड पर संपत्ति को खाली नहीं करा पाए तो वे पद से इस्तीफा दे देंगे। दरअसल रुड़की कलिया शरीफ में 200 बीघा से ज्यादा भूमि पर हुए कब्जे के मामले में शादाब लगातार सरकार और शासन के स्तर पर अपनी बात रखते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मामले में कमजोर पैरवी के चलते भूमि पर मुस्लिम धर्म गुरुओं द्वारा कब्जा किया गया है, जिस पर केंद्रीय कानून मंत्री से संबंधित मामले में पुनर्विचार की मांग रखी जाएगी, जिससे संबंधित मामले पर कोर्ट में पुनर्विचार हो सके। रुड़की कलिया शरीफ में किए गए जमीन पर कब्जे के मामले में अब मुस्लिम धर्म गुरु और मुस्लिम समुदाय के लोग आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। का हालत है, ये गरीबों का, यतीमों का, बेसहारा बेवाओं का हक था, लेकिन इसके ऊपर अगर देखा जाए तो बाहुबलियों के कब्जे, कहीं पौने 200 बीघे जमीन पर कांग्रेस के पूर्व सांसद बैठे हैं, अकबर अहमद डंपी बैठे हैं, कहीं शहीदुज्जमा बैठे हैं, कहीं जिनको देखभाल की जिम्मेदारी दी थी, जिनके बड़े कहते थे हमारे बदन के ऊपर जो कपड़े हैं ये भी दरगाह साबिर पाक के हैं, आज वो सज्जादे लगभग 200 बीघा जमीन के ऊपर कब्जा करके कलियर के अंदर जो मेला भूमि कहलाती थी, जहां सैकड़ों सालों से मेला चलता आ रहा है, आज उस पर अपना मालिकाना हक जता रहे। देखिए बहुत ही गंभीर मामला है, क्योंकि एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जो वक्फ बोर्ड का चेयरमैन है और कह रहा है कि वो जो है वक्फ बोर्ड की जमीनों को माफियाओं से बचाना चाहते हैं, छुड़ाना चाहते हैं, और उसके लिए हर स्तर पर संघर्ष कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि उनको सहयोग नहीं मिल रहा है। आखिर किसका सहयोग उनको नहीं मिल रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि अगर इसी प्रकार से असहयोग रहा तो वो अपने पद से इस्तीफा तक दे देंगे। इसका मतलब किस तरीके का मानसिक दबाव जो है संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का। उत्तराखंड में RTI का लाभ लेने के इच्छुक पात्र अभिभावकों का इंतजार अब जल्द ही खत्म होगा, जब जिले के प्राइवेट स्कूलों में RTI के तहत दाखिल की प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो जाएगी। गरीब बच्चे निजी स्कूल में RTI के तहत शिक्षा पाएंगे। इस सत्र के लिए DG शिक्षा के निर्देश के बाद ही भर्ती प्रक्रिया तेज करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। DG शिक्षा बंशीधर तिवारी के अनुसार जल्द ही तमाम प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। सरकार द्वारा RTI उत्तराखंड प्रवेश 2023-24 के तहत कुछ पात्रता शर्तें निर्धारित की गई है, जिसका पालन करने के बाद ही बच्चों को इस योजना के लाभ मिलेगा। उत्तराखंड के तहत प्रवेश पाने के लिए आवेदनकर्ताओं को उत्तराखंड का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इसके साथ ही आवेदक छात्र को निम्न योग्यता मानदंड का पालन करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने के उद्देश्य से देश भर में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। राजधानी देहरादून की बात करें तो यहां भी स्वच्छता मिशन के तहत लगातार जन जागरूकता नगर निगम के द्वारा अभियान चलाने का कार्य किया जाता है। यही वजह है कि लगातार स्वच्छता की रैंकिंग में अब देहरादून भी आगे बढ़ रहा है। इस संबंध में राजधानी देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा का कहना है कि जन जागरूकता से देहरादून में स्वच्छता का ग्राफ बढ़ा है, तो वहीं इसके लिए सभी शहरवासियों ने सहयोग भी किया है, जिसके लिए हम शहरवासियों का आभार व्यक्त करते हैं।
देखिए हमारा प्रयास है कि हमारा शहर जो है स्वच्छ दून सुंदर दून का जो शहरवासियों का नारा है, हमारा शहर साफ सुथरा होना चाहिए। मैं सभी अपने शहरवासियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि आपकी जन सहभागिता से जो है जो स्वच्छता के जो परिणाम जो आ रहे हैं, स्वच्छता की जो रैंकिंग में लगातार सुधार हो रहा है, वो देहरादून की जनता का उनका आभार व्यक्त करता हूं कि देहरादून के लोग जागरूक हुए हैं। देहरादून की जनता की जागरूकता से खासतौर से जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा जो है जागरूकता आई है। ना वो गंदगी करते हैं ना गंदगी करने देते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा जो है इसमें समय समय पर जो है अभियान भी चलाते हैं और स्वच्छता के प्रति लोगों को सचेत करते हैं कि स्वच्छता के साथ ही जो है स्वच्छ होगा तो निश्चित रूप से हमारा जो स्वास्थ्य है वो भी ठीक होगा और हमारा पर्यावरण भी ठीक होगा। लक्सर स्थित खानपुर विधानसभा क्षेत्र में मौजूदा विधायक के समर्थन द्वारा निवर्तमान विधायक के समर्थकों पर मारपीट को अंजाम दिए जाने का गंभीर आरोप लग रहा है। वहीं लक्सर में पुलिस उपाध्यक्ष मनोज ठाकुर के मुताबिक दरअसल खानपुर थाना क्षेत्र में बीते दिनों आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दो पक्षों में लड़ाई झगड़े की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर तहरीर प्राप्त करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान मौजूदा विधायक उमेश शर्मा और निवर्तमान विधायक कुंवर प्रणव सिंह के समर्थकों के बीच में झगड़े की बात सामने आई थी। तो वहीं लक्सर पुलिस उपाध्यक्ष मनोज ठाकुर के मुताबिक खानपुर थाना पुलिस द्वारा संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। ये सूचना प्राप्त हुई थी कि खानपुर ब्लॉक में एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था जिसमें दो पक्षों में विवाद हो गया और मारपीट हुई, तो उसके प्रकरण के चलते जो है कल तहरीर प्राप्त हुई थाना खानपुर पे और उसमें धारा 323, 5456 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने चारधाम यात्रा के यात्रा करने वाले श्रद्धालु से अपील की है कि कुछ विराम बाद ही यात्रा को शुरू किया जाए। उन्होंने ये भी बताया कि केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी हो रही है, जिसके लिए उन्होंने सावधानी बरतने की अपील की है। साथ ही मौसम का पूर्वानुमान देखकर और कुछ विराम के बाद ही यात्रा शुरू करने की यात्रियों से अपील की है। मैं समस्त देशवासियों को अवगत कराना चाहूँगा कि आज केदारनाथ जी में फिर से बर्फबारी हुई है। लगभग 3 घंटे से बर्फ गिर रही है वहाँ पर, थोड़ी बर्फ बद्रीनाथ जी में भी गिरी है, बट केदारनाथ जी में ज़्यादा समस्या है क्योंकि वहाँ ट्रैकिंग करके लोग जाते हैं और बर्फबारी के दौरान हेली ऑपरेशन भी नहीं हो पाते, तो इसलिए 1 तारीख तक 1 मई तक बद्री केदार दोनों जगह पर मौसम का कुछ हल्का अलर्ट है, तो हो सकता है बीच बीच में यात्रा हमें जो है विशेषकर केदारनाथ जी की यात्रा को। इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।